आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट अपडेट यू नेवर मिस। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत आपका पुनः मैं एक बार फिर करता हूं। तो पूर्व के समय में बच्चों की डिमांड आई थी टॉपिक को लेकर के कि किसी भी टॉपिक से जीएस को पढ़ाना है या जीएस को जारी रखना है, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो या एंशियंट हिस्ट्री का हो, कोई भी टॉपिक हो पूरे ओवरऑल जीएस में। तो आज से मैं टॉपिक वाई टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिससे कि बच्चों को मदद मिलेगी पढ़ने में। तो आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने लिया हुआ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बच्चों आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके सामने जो टॉपिक है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से आज बताऊंगा। तो धीमे धीमे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 3 या 4 वीडियोज़ में हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में या पोर्शन में देखते हैं तो उठा करके। चूँकि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 26 नवंबर है तारीख आज। तो 26 नवंबर को भारत में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहा है, आप उसे नोट कर लेना, पॉलिटी से संबंधित है। तो डेट आप देख लीजिए, 26 नवंबर को इस समय जो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अगर यदि कभी प्रश्न में आ जाए तो आपको याद रखना है 26 नवंबर। ये कब से मनाया जा रहा है आपको याद रखना है, वर्ष 2014 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है 2014 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले 2014 से पहले कौन सा दिवस मनाया जाता था, मनाया जाता था लेकिन संविधान दिवस के नाम से नहीं मनाया जाता था। संविधान दिवस के नाम से 2014 में, तब से मोदी जी आए हैं सरकार में या प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, तो उन्होंने संविधान दिवस मनाने की घोषणा करी है और प्रत्येक वर्ष 2014 से लेकर के अब तक संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उससे पहले कौन सा मनाया जाता था 2014 से पहले, तो 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर की तिथि को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो कि 2014 के बाद संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट और चर्चा कर देता हूं, क्यों मनाया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, पृष्ठभूमि 26 नवंबर की क्या रही है। तो आपको प्यारे बच्चों पता होगा, 26 नवंबर 1949 ये तिथि और वर्ष है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति दी गई थी या आप पढ़ सकते हो अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था बनकर। उसके बाद जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में तमाम वो लोग थे जो 19 के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत होने वाले चुनावों में वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और चुन करके आए थे, भारत के अलग अलग हिस्सों से चुन करके आए थे। तो उसी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंततः संविधान सभा के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया। इस वजह से जो 26 नवंबर तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि रही है, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पता है आपको, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे, 11 अधिवेशन पूरे संविधान को बनाने में लगे थे, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च उस समय आया था, 64 लाख रुपए का खर्च आया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने की प्रक्रिया में लगे थे और 11 अधिवेशन लगभग इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे। तो इस वजह से संविधान दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। उससे पहले कानून दिवस 2014 से पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था बच्चों, तो आप इसे देख लेना। चूँकि डेट है आज की 26 नवंबर है, भारत में मनाया जाता है, सेंट्रल हॉल में, संसद के में, सभी
केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय नेता जो भी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो सभी लोग पहुँच करके वहाँ संविधान से संबंधित जितने लोग रहे, जितने विशेषज्ञ रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खास करके प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, उनका महत्वपूर्ण या अहम योगदान रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, जेवी कृपलानी जी का रहा, इन सभी लोगों ने मिलकर के सभी संविधान सभा में शामिल थे, सभी की अपनी अपनी जगह पर अलग अलग समितियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में। तो सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं इस दिन संसद भवन में जाकर के, केंद्रीय कक्ष में जाकर के, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक था अफ्रीका का, तो अफ्रीका की ओर चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की ओर चलते हैं, तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो अफ्रीका के विषय में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट महाद्वीप है परीक्षा की दृष्टि से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है जो, तो मैं आपको सभी महाद्वीपों से परिचय आपका कराऊंगा। सभी महाद्वीपों में जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप चाहो तो नोट भी कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के बाद पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लेंगे, दक्षिण अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में जानकारी ले लेंगे, पढ़ लेंगे उत्तरी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया देश उसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला आर्कटिक पढ़ लेंगे, आर्कटिक महाद्वीप पढ़ लेंगे, आर्कटिक महाद्वीप के बाद यूरोप महाद्वीप को पढ़ा दिया जाएगा आपको, यूरोप महाद्वीप में चर्चा कर लेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप स्थित हैं, तो ये 7 महाद्वीप आपके सामने हैं, 7ों महाद्वीपों को एक एक करके क्रम से मैं आपके सामने रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, विस्तार से रखूंगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो अफ्रीका को चूज़ किया है, अफ्रीका महाद्वीप को लिया है, तो अफ्रीका के विषय में मैं एक एक करके क्रम से आपको कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित। तो अफ्रीका महाद्वीप के विषय में सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो बेसिक बात है, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, खास करके मैं पुलिस एग्जाम की बात करता हूँ, पिछले समय में जितनी पुलिस की भर्तियाँ हुई उसमें से अफ्रीका को लेकर के, दक्षिण अमेरिका को लेकर के, उत्तरी अमेरिका को लेकर के, या तो राजधानियाँ पूछी गई हैं, या जनसंख्या वाले बड़े देश पूछे गए हैं, या कोई ना कोई संधि पूछी गई है, या कोई ना कोई नदी के बारे में पूछी गया है, या कोई ना कोई जनजाति पूछी गई है, तो काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं अफ्रीका में अथवा सभी महाद्वीपों में। तो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक मैं आपके लिए रख रहा हूँ। तो देखिए आप अफ्रीका में, तो पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है, तो आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लेना, देशों की जो संख्या है अफ्रीका महाद्वीप में वो कितनी है, 54 कंट्रीज इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो विश्व में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या कौन से महाद्वीप में, तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, कितने देश हैं, 54 कंट्रीज हैं। सेकेंड फैक्ट, इसी क्रम में मैं चलता हूं अफ्रीका के, मैं अफ्रीका को लेकर के, विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का ही है, अफ्रीका महाद्वीप, विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विश्व के कौन से महाद्वीप का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो आप उत्तर लगाइए अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा क्षेत्रफल है विश्व में अफ्रीका का। 3 करोड़ वैसे नॉर्मली तौर पे आप याद रखिएगा, कभी डेटा वगैरह इसके ऑप्शंस में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आपसे ऑप्शंस यही पूछेगा कि इन महाद्वीपों में यदि बात करते हैं, 4 ऑप्शन दे करके,
तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप बताइए। तो आप उत्तर दीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला फैक्ट इसी में चर्चा कर लेते हैं। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है किलीमंजारो। किलीमंजारो सबसे ऊंचा शिखर है अफ्रीका महाद्वीप का, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद रखना अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर किलीमंजारो है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। किलीमंजारो के पास ही स्थित एक ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी का भी नाम किलीमंजारो है। यदि आपसे पूछा जाए अफ्रीका में स्थित एक ज्वालामुखी का नाम बताइए या किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। एक बात और, आप एक मुद्दा और याद रखिएगा इस जगह, किलीमंजारो कौन से देश में स्थित है, तो याद रखना है तंजानिया नामक देश में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी स्थित है किलीमंजारो। इस बात को विशेष आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अफ्रीका में ही अगला मुद्दा है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पहला मुद्दा तो ये हो गया। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है, आप आंसर लगाइएगा आसानी से अफ्रीका। यदि आगे पूछता है उसी प्रश्न में, अगला मुद्दा चलता है कौन सा मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है रेगिस्तान जो है, मरुस्थल को रेगिस्तान बोलते हैं या मरुस्थल लिख सकते हैं। मरुस्थल ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जहाँ वर्ष भर में या साल भर में या पूरे 12 महीने में 15 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है या ना के बराबर होती है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं उत्पादित होते। सीधी सी बात है, यहाँ वर्षा नहीं होगी तो वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति का होना असंभव है, संभव नहीं है। तो सहारा रेगिस्तान है, आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन से महाद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। एक और मैं बात आपको, अगला मुद्दा इसी में मैं बता देता हूं, अगला याद रखिए, स्वेज काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है पूर्व की परीक्षा में, स्वेज जल संधि कौन से दो सागरों को जोड़ती है या कहाँ स्थित है। स्वेज जल संधि से प्रश्न कई बार आता है, स्वेज कैनाल से आता है या स्वेज नहर को लेकर के आता है। स्वेज जल संधि के नाम से काफी प्रचलित है, नहर भी है, वहीं नहर को ही जल संधि के रूप में जोड़ दिया गया। जल संधि मतलब दो सागरों में संधि की गई है, दो सागरों को जोड़ा गया है एक नहर के माध्यम से, तो इसे स्वेज जल संधि का नाम दिया गया है। तो कई बार परीक्षाओं में रहता है स्वेज जल संधि कौन से दो सागरों को जोड़ती है, तो दो सागर आप याद रखिए कौन से दो सागरों के मध्य में स्थित है। तो आप देखिएगा स्वेज जल संधि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपको याद रखना है, यदि स्वेज जल संधि से प्रश्न बनता है तो आपको यह याद रखना है भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इसी सीरीज में, अगला मुद्दा है सर, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी
बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, तो कहाँ बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है। अब देखिए अगला मुद्दा है, इसी में नदी में आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है, आप उत्तर लगाइए अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब विषय में बात कर लेते हैं नदी के विषय को लेकर के, तो अगला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बहती है। 7000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अपवाह है, अपवाह मतलब बहती है, इलाके को क्षेत्र को कवर करती है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी बहती है नील नदी। तो इस वजह से दुनिया की सबसे लंबी नदी है, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अगले मुद्दे पे बात करते हैं, नील नदी का ही प्रश्न बनता है यहां से, नील नदी की उत्पत्ति डायरेक्ट प्रश्न रहता है, पूछ लेता है नील नदी की उत्पत्ति कहां से होती है। तो आपको याद रखना है नील नदी की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है। कौन सी झील से होती है? विक्टोरिया झील से होती है, आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, नील नदी की उत्पत्ति के लिए जगह पूछता है विक्टोरिया झील के पास के क्षेत्रों से, या विक्टोरिया झील आप लगा सकते हो, क्योंकि विक्टोरिया झील से ही नील नदी के लिए पानी निकलता है। तो यही है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप के काफ़ी देशों में बहने के बाद अपना जल कहाँ छोड़ देती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। तो इधर से मैं हटा देता हूँ, अगले मुद्दे पर चलते हैं, नील नदी के बारे में अगले मुद्दे को बता देते हैं आपको। अगला मुद्दा है इसी श्रृंखला में, आप नील नदी के बारे में बताता हूँ आपको, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। कौन से देश को? मिस्र को। मिस्र बोले तो इजिप्ट बोलते हैं इस देश को इंग्लिश में, मिस्र हिंदी में बोलते हैं। कहने का मतलब है नील नदी का जो अपवाह की दृष्टि से बहती है, नील नदी अफ्रीका के मिस्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है, और इसी नदी के माध्यम से वहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से एक वरदान शब्द बोला गया इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है मैं यदि भारत की बात करूँ तो भारत में प्रमुख नदी की बात करूँ तो भारत की या उत्तर भारत की या संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो गंगा को भी वरदान के रूप में हम अपने भारत में पढ़ सकते हैं, क्योंकि गंगा की जो लंबाई है किलोमीटर में, लगभग भारत के कई राज्यों से होकर के निकलती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लगभग 2500 किलोमीटर है, अलग अलग एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर बहती है। तो गंगा के जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, जितने ही तलहटी इलाके हैं, जितने ही किनारे हैं, या जितने भी शहर या गाँव या ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो वहाँ गंगा के पानी के माध्यम से एक अच्छा उत्पादन होता है फसलों का, इस वजह से वरदान का नाम दिया गया है। इसी वजह से मिस्र में वरदान कहा जाता है नील नदी को। कारण है इसका, मुद्दा मैं बता देता हूँ, अगला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिख सकते हो, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन, मिस्र नामक देश करता है। कहने का मतलब यह है कि नील नदी के पानी का जो इस्तेमाल होता है, पानी का, कौन से देश में? मिस्र में। तो वो कौन सी फसल के लिए होता है? कपास की क्रॉप के लिए, या कपास की फसल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला मुद्दा मैं चलता हूँ, यदि आपसे पूछा जाए नील नदी भूमध्य सागर में अपने जल को
अपने जल को गिराती है, अपने जल को गिराती है। नील नदी यदि आपसे पूछा जाए विश्व के कौन से महासागर में अपने पानी को गिराती है या सागर में जाकर के विलीन हो जाती है या सागर में जाकर के अपने पानी को वहाँ छोड़ देती है, तो आपको याद रखना है कौन से सागर में मिल जाती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये फैक्ट हैं, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से उत्पत्ति होती है, याद रखिए विक्टोरिया झील से उत्पत्ति होती है। पानी बहकर के लगभग 7000 किलोमीटर बहकर के अंत तक कहाँ पहुँचती है, भूमध्य सागर में जाकर के पहुँचती है, जो कि भूमध्य सागर सीमा बनाता है दो महाद्वीपों के बीच में। मुख्यतः प्रश्न आ जाता है अफ्रीका और यूरोप, दोनों को अलग करता है, दोनों के बीच में स्थित है कौन सा महाद्वीप, सॉरी माफ कीजिए, भूमध्य सागर। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा मैं बताता हूँ आपके सामने, अगला आप देखिए, याद रखिए स्वेज जल संधि को भी, स्वेज जल संधि दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है अफ्रीका में, लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगला मुद्दा है अफ्रीका महाद्वीप में ही, अगले मुद्दे को देखिएगा आप, विश्व में मानव की उत्पत्ति, विश्व में मानव की उत्पत्ति या विश्व में कैसे भी पेपर वाले लिखता है मानव का जन्म स्थल या विश्व में मानव का जन्म स्थान, ये प्रश्न पेपर वाला परीक्षा वाला लिख चुका है। मानव की उत्पत्ति विश्व में कहां मानी जाती है या मानव का जन्म स्थल कहां माना जाता है या मानव का जन्म स्थान कहां माना जाता है, यदि ये भी नहीं आता है तो देखिएगा और लिखा रहता है परीक्षाओं में, विश्व में सबसे पहले मानव, विश्व में सबसे पहले मानव के प्रमाण या कंकाल कहां प्राप्त हुए थे। ये आपको याद रखना है, एक ही प्रश्न है लेकिन अलग अलग शब्दों में आते रहते हैं पेपरों में, अलग अलग शब्दों में ये बनते रहते हैं, मैंने एक ही शब्द लिखा है लेकिन अलग अलग शब्दों में आते रहते हैं, आपको देख लेना है। विश्व में मानव की उत्पत्ति या जन्म स्थान या पहले मानव के प्रमाण या कंकाल कहाँ मिले, दुनिया में उत्पत्ति व्यक्ति की या पुरुष की या मानव की या मनुष्य की, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है, उसे भी आप देख लीजिएगा, मानव का कहाँ उत्पत्ति मानी जाती है, तो उत्पत्ति मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तर जो आपका आएगा आपको रट लेना, याद कर लेना है, ऑप्शन में महाद्वीप ही आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को मानव का जन्म स्थान वाला महाद्वीप माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है मानव के विषय में या मनुष्य के विषय में, यदि यही प्रश्न अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है या भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा रहता है, हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने लिखा है भारत में व्यक्ति की उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी इस विषय को लेकर के, तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत में भी यदि ये प्रश्न बन जाता है तो आप याद रखिए, भारत में मानव की उत्पत्ति के विषय में, भारत में मानव की उत्पत्ति के विषय में ये प्रश्न बनते हैं, मानव की उत्पत्ति के विषय में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर नर्मदा घाटी को लेकर के, भारत में मानव की उत्पत्ति के विषय में यदि प्रश्न आता है हमारे यहाँ दे रखा है तो नर्मदा घाटी को पढ़ा जाता है। नर्मदा घाटी इन द सेंस ऑफ, आप राज्य यहाँ देख सकते हो, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। नर्मदा घाटी, नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश में ही फ्लो है या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। और विश्व में यदि यही प्रश्न बनता है, मैंने कई शब्दों में आपके सामने लिखा है उत्पत्ति, जन्म स्थल, जन्म स्थान या जो भी है, अफ्रीका महाद्वीप आप उत्तर लगाइए, भारत में यदि आपसे पूछा जाए तो आप नर्मदा घाटी लगाइए, इवन ऑप्शन में राज्य आए तो आप MP लगाइएगा, तो डिपेंड करता है आपके सामने ऑप्शंस कौन से दे रखे हैं एग्जाम वाले ने या एग्जामिनर ने। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, अगला मुद्दा मैं यहाँ बताता हूँ आपको अफ्रीका के विषय में, अगला मुद्दा देखिएगा, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महाद्वीपों से ज़्यादा चर्चा में रहता है या प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और देखिएगा आप अगला, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पढ़ा भी होगा, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के विश्व की तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। काल्पनिक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप महसूस ही कर सकते हैं, इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते, या हमें कहूँ ग्राउंड पर या जमीन पर या स्थल पर पृथ्वी पर किसी भी हिस्से में ये हमें दिखाई नहीं दे सकते। इस वजह से एक इमेजन कर लिया है विश्व में वैज्ञानिकों ने, तो काल्पनिक रेखाएं बोला जाता है। एकमात्र महाद्वीप बताइए विश्व का, यही ऑप्शन रहते हैं महाद्वीप के कॉन्टिनेंट के आपके सामने। एशिया वो दे सकता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एक सही आंसर भी देगा अफ्रीका महाद्वीप। तो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिएगा, आप ऐसे भी क्रम में याद रखोगे, मैं आपको बता देता हूं जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो क्रम में याद रखना है। सबसे ऊपर आप इस तरीके से लिख सकते हो, अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊपर के या सबसे उत्तर के देशों से होकर के गुजरती है। इसके बाद सेकंड मैं आपको बता देता हूं, तीन रेखा काल्पनिक गुजरती है, एक मध्य से होकर के जाती है। मध्य से कौन सी रेखा जाती है पता होगा आपको, यदि नहीं भी पता है तो आप लिख लीजिएगा, मध्य से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। नाम ही इसका मध्य है तो आपको वैसे इजीली याद हो जाएगा। भू मतलब जमीन पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इनसे तापमान के बारे में, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, वर्षा के बारे में ही वैज्ञानिक पता लगाते हैं और ज्ञान लेते हैं। तो भूमध्य रेखा मध्य से होकर के जाती है। इसी रेखा को दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी पढ़ा जाता है। ऑप्शन में विषुवत रेखा आपको मिल सकता है, भूमध्य रेखा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये दो रेखाएं हो गई जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, सबसे टॉप या उत्तर में कर्क रेखा, मध्य से होकर के भूमध्य रेखा, उसी को विषुवत रेखा पढ़ा जाता है। थर्ड में आप देख लीजिए, अगर मैं दक्षिण की बात करूं, बिल्कुल दक्षिण से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, तो दक्षिण में आप लिख लीजिए, एक जो बची वो लास्ट मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं एकमात्र कॉन्टिनेंट है विश्व का अफ्रीका, जो सात महाद्वीप हैं इस दुनिया के पृथ्वी पर या पृथ्वी पर, उनमें से सिर्फ अफ्रीका से होकर के ये तीनों काल्पनिक रेखाएं जाती हैं। कर्क रेखा ऑप्शंस में दे देता है कि इनमें से कौन सी रेखा उत्तर में होकर के जा रही है अफ्रीका में, तो आपको याद रखना है उत्तर में सबसे टॉप के देशों से, सारा मरुस्थल से संबंधित देशों से लग करके कर्क रेखा जा रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अफ्रीका के बीच के देशों से बताइए, मध्य के देशों से कौन सी रेखा निकल करके जाती है, तो आपको वहां उत्तर दे देना है, भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य के देशों से होकर के जाती है। यदि आपसे पूछा जाता है उसी में प्रश्न कि अफ्रीका के दक्षिण वाले हिस्से से या दक्षिणी हिस्से से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है, तो आप याद रखिए, मकर रेखा दक्षिण हिस्से से निकलती है, दक्षिणी हिस्से से निकल करके जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मुद्दा, आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला मुद्दा है अफ्रीका महाद्वीप में, मैं अफ्रीका महाद्वीप को आपके सामने दो या तीन वीडियोस में कंप्लीट होगा, यह पूरा का पूरा चैप्टर दो या तीन वीडियोस में आपके सामने आएगा, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाएगी तो एक वीडियोस में पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नहीं बता सकता या ना पढ़ा सकता हूं मैं, काफी लंबा हो जाएगा। तो अगला मुद्दा देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल काफी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। आपसे दिशा पूछी जाए, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। अगला मुद्दा यहीं से बनेगा, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, एक मुद्दा हो गया, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, कालाहारी मरुस्थल वोत्सवाना
बोत्सवाना, और देख देश है नामीबिया। देख लीजिएगा हिंदी थोड़ी सी ऐसी हो गई पढ़ाते पढ़ाते आप, लेकिन एक देश याद रखिएगा बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कौन से देशों से सीमा बनाता है अफ्रीका में, तो आप याद कर लेना बोत्सवाना से सीमा बनाता है, नामीबिया से सीमा बनाता है, इन दोनों देशों से कालाहारी मरुस्थल सीमा बनाता है। काफी अगला फैक्ट इसी में मैं आपको अगला मुद्दा में आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। जो बोत्सवाना देश है या कालाहारी मरुस्थल है वो मैं आपको बता दूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया बुशमैन, बुशमैन जनजाति निवास कहाँ करती है, प्रश्न कई परीक्षाओं में रहता है, कई बार रहता है बुशमैन जनजाति। आप लगाइए मरुस्थल पूछा जाए तो आप लगाइए कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, मरुस्थल में निवास करती है बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यदि इसी मुद्दे को थोड़ा सा घुमा के वो देता है बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति कौन से देश में निवास करती है, तो आप देखिएगा बोत्सवाना नामक देश में, बोत्सवाना नामक देश में निवास करती है। कहाँ रहती है, बोत्सवाना नामक देश में निवास करती है। तो कई प्रश्न इससे बनते हैं, एक तो मरुस्थल हो गया, आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आप सबसे पहले याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल कौन से देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है या कौन से देशों से सीमा बनाता है, तो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित देश है नामीबिया है और एक बोत्सवाना, दोनों देशों से कालाहारी मरुस्थल की सीमा स्पर्श होती है। आपसे पूछा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है, चूँकि अफ्रीका जो नाम पड़ा है वो एफ्रियन नामक नाम से पड़ा है, अफ्रीका का मतलब होता है गुफा, अफ्रीका शब्द का मतलब बताया गया है गुफा, और गुफा इन द सेंस ऑफ ऐसे लोग या ऐसी जातियां जो गुफा में निवास करते थे, जो गुफा में निवास करते थे उन्हीं को बोला गया अफ्रीकन लोग, उन्हीं लोगों को अफ्रीकन लोग बोला गया है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है अफ्रीका के शब्द को लेकर के। मुद्दे पर आ जाते हैं, बुशमैन जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति कौन से देश में निवास करती है, आप उत्तर लगाइए बोत्सवाना में निवास करती है। बोत्सवाना कौन से मरुस्थल से लगा हुआ है, कालाहारी मरुस्थल से लगा हुआ है। एक मुद्दा और है यहीं इसी फैक्ट में, एक मुद्दा और है कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग नामक जीव पाए जाते हैं, शतुरमुर्ग नामक जीव पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच इंग्लिश में बोलते हैं, तो अफ्रीका में शतुरमुर्ग नामक या ऑस्ट्रिच इंग्लिश में बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल यदि देश तो बोत्सवाना। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं इसी सीरीज में, इसी अफ्रीका के श्रृंखला में, आप इन्हें नोट कर लेना, ऊपर से मैं हटा देता हूँ। अगला आप देखिए अफ्रीका के सिलसिले में, आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो अफ्रीका के विषय में एक मात्र विश्व की जनजाति निवास करती है, यूनिक है अपने आप में, काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है, एकमात्र जनजाति जो पेड़ों पर घर बनाकर आज के समय में तो बहुत ही यूनिक ही हो गया, क्योंकि पूर्व के समय में जनजातियां थीं वो अलग अलग रूप से निवास करती हैं, जैसे हमारे यहाँ हो गई भारत की बात करूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन है, जारवा है, काफ़ी प्राचीन जनजातियां हैं जो निवास करती हैं, अपने तरीके से रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन भारत सरकार प्रयासरत है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, वहाँ डेवलप कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं अफ्रीका में पेड़ों पर घर बनाकर विश्व की एकमात्र, आप इधर लिख लीजिएगा विश्व और जोड़ लीजिएगा, विश्व की एकमात्र जनजाति जो पेड़ों पर घर बना करके रहती है,
तो आपको देख लेना है, इस मुद्दे में बता देता हूँ, जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति जो पेड़ों पर या वृक्षों पर घर बनाकर निवास करते हैं। आज के समय भी अफ्रीका के देशों में जो जंगलों में निवास करते हैं वो पेड़ों पर घर बना करके यह जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति है, निवास करती है। अगला मुद्दा है इसी सिलसिले में, इसी विषय पर, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है, कांगो बेसिन में निवास करती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कौन से बेसिन में निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। कांगो, आप याद रखिएगा, कांगो एक मध्य अफ्रीका का देश है जिसका पुराना नाम जायरे हुआ करता था। ओल्ड नाम जायरे था। कौन से देश का था? कांगो का पुराना नाम जायरे हुआ करता था। तो पिग्मी जनजाति कौन से मुल्क में निवास करती है, कौन से देश में निवास करती है? अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नामक देश या जायरे नामक देश में निवास करती है, जो कि दुनिया की या विश्व की या संसार की एकमात्र जनजाति का समूह जो पेड़ों पर घर बना करके रहता है, जिसे पिग्मी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस टॉपिक में या इस वीडियो में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टॉपिक में, मैं यहीं तक आपको पढ़ा देता हूं। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया है, अफ्रीका महाद्वीप या सभी महाद्वीप काफ़ी लंबे चैप्टर हैं, तो 3 या 4 वीडियोस में एक पूरा टॉपिक कवर आपको मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को या इनसे संबंधित जो भी फैक्ट मैंने आज के सामने चर्चा किया है, इसे नोट्स बना लीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ। पिछले दिनों डिमांड आ रही थी टॉपिक को लेकर के, तो टॉपिक मैंने आज से शुरू किया हुआ है आपके सामने, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित। बीच बीच में करंट अफेयर्स की क्लासेस आती रहेंगी, उसके लिए शेड्यूल बनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के अलावा ग्रुप डी की भी साइंस की स्पेशल की क्लास बीच बीच में मैं आपके सामने डालूंगा। तो 3 या 4 वीडियो में आपके लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक भी कम से कम वीडियो को कर दिया करें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।